हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, माय नेम इज श्याम भिवी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो यहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 2 को स्टडी आउट कर रहे थे फ्रॉम क्लास 7 हिस्ट्री, और जिस बुक को हम लोग रेफर कर रहे हैं दैट इज योर एनसीईआरटी। ठीक है, तो इसी पर्टिकुलर चैप्टर को आके हम लोग स्टडी करते हैं जहाँ पे हम लोगों ने लेफ्ट आउट किया था लास्ट टाइम पे। सो यहाँ मुझे यहाँ से स्टार्ट करना था, राजा राजा वन। ठीक है, ग्रेट, वन सेकेंड हाईलाइटर से। ओके, सो राजा राजा वन कंसीडर द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर, बिकेम किंग इन 985 एंड एक्सप्लेन्ड एंड एक्सपैंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज एरियाज। अब राजा राजा वन, जिनको सबसे ज़्यादा पावरफुल चोला रूलर कहा जाता था, वो 1985 में किंग बने और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आस पास के जितने भी एरियाज थे उसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल को एक्सपैंड किया। ही ऑल्सो रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। अब एम्पायर का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह थी, वो सब चीज़ें भी उन्होंने वापस से रीऑर्गेनाइज करी, वापस से सब चेंजमेंट्स किए। वन सेकेंड, राजा राजा सन राजेंद्र वन कंटिन्यूड हिज पॉलिसीज एंड इवन रेडेड इन द गंगा वैली। अब राजा राजा वन के जो बीत राजा राजा उसका जो बेटे थे राजा राजेंद्र वन, उन्होंने इन जो भी पॉलिसीज वगैरह थी उन सबको कंटिन्यू किया और गंगा वैली वगैरह में भी उन्होंने रेड करा। श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ सदर्न साउथ ईस्ट एशिया डेवलपिंग अ नेवी फॉर दीज एक्सपेडिशंस। श्रीलंका और जो कंट्रीज थी साउथ ईस्ट एशिया की, वो सबकी सब कुछ चीज़ें यहाँ पर नेवी के लिए डेवलप कर रही थी। स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, द बिग टेम्पल्स ऑफ थंजावुर एंड गंगईकोंडा चोलापुरम बिल्ट बाय राजा राजा एंड राजेंद्र आर आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल मार्वल्स। अब ये जो बड़े बड़े टेम्पल्स जो कि थंजावुर और गंगाईकोंडा चोलापुरम वगैरह में बनाए गए थे राजा राजा और राजेंद्र ने, तो ये सबके सब आर्किटेक्चर और स्कल्पचर बहुत सुंदर यहाँ पे सब चीज़ें बनाई गई थी। चोला टेम्पल्स ऑफन बिकेम द न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट्स विच ग्रू अराउंड। अब जो चोला के टेम्पल्स जो थे वो सबके सब वापस से और यहाँ पे सेटलमेंट्स होने लगी और वापस से एक साथ ग्रो करने लगे। दीज वर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब ये सारे जो थे ये क्राफ्ट के प्रोडक्शन के सेंटर्स थे। टेम्पल्स वर ऑल्सो एंडोर्ड बाय विद द लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज द अदर्स। अब यहाँ पे जो टेम्पल्स वगैरह थे वो सब भी लैंड की हेल्प से, जो रूलर्स वगैरह थे उन सब की हेल्प से यहाँ पे बनाए गए थे। द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड went into maintaining all the specialists who worked at the temple and very often lived near it. तो ये सब चीज़ें जो थी पूरे मेंटेन होती गई, स्पेशलिस्ट वगैरह ने इस पर काम किया, जो भी टेम्पल वगैरह थे उन सब चीज़ों को बनाने के लिए। ठीक है, ओवर ऑफन लिव नियर इट प्रीस्ट गार्लैंड मेकर्स कुक्स स्वीपर्स म्यूजिशियंस एक्सेट्रा। सो ये सब जो लोग थे, जैसे कि प्रीस्ट होते, गार्लैंड मेकर्स मतलब कि माला वगैरह बनाने वाले, कुक स्वीपर्स म्यूजिशियंस, तो ये सब पीपल वहीं टेम्पल के आसपास ही बिल्कुल रहते थे। इन अदर वर्ड्स टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्लेस ऑफ वर्शिप, दे वर द हब ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल। तो अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जो टेम्पल्स थे वो सिर्फ वर्शिप या पूजा करने की सिर्फ कोई जगह नहीं थी, वो एक हब था इकोनॉमिक सोशल और कल्चरल लाइफ का भी। अमंग द क्राफ्ट एसोसिएटेड विद टेम्पल्स The making of bronze images was the most distinctive. अब ये जो crafts वगैरह थे, जो temples वगैरह बनाए जाते थे, इन सब में सबसे ज़्यादा अलग जो था वो था bronze की images को बनाना। चोला bronze images are considered amongst the finest in the world. अब चोला के जो bronze की जो images हैं, जो photos वगैरह बनाई गई हैं, उनको पूरे world में सबसे ज़्यादा finest किया जाता है। finest मतलब कि सबसे ज़्यादा साफ और सबसे ज़्यादा फाइननेस बनाई हुई उसको कंसीडर की जाती है चोला ब्रॉन्ज इमेजेस जो है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ। व्हाइल मोस्ट इमेजेस वर ऑफ डी टी समटाइम्स इमेजेस वर मेड ऑफ डिवोटीज आल्सो। अब जो ज़्यादातर इमेजेस थी वो सारी इमेजेस डीटीज की थी, बट कई बार डिवोटीज की भी इमेजेस बना दी जाती थी। एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन। अब एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन के बारे में समझेंगे। Many of the achievements of the Cholas were made possible. Through new developments that in the agriculture.
अब बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट्स है चुरास की जो कि पॉसिबल हो पाए एग्रीकल्चर के जो नए डेवलपमेंट्स हैं उनकी वजह से. नोटिस दैट द रिवर कावेरी ब्रांचेज ऑफ इन टू सिमरल स्मॉल चैनल्स बिफोर एम्प्टींग इन टू द बे ऑफ बंगाल. अब अगर आपने नोटिस किया होगा तो जो रिवर कावेरी है वो कई सारे छोटे छोटे चैनल्स हैं वहाँ से एम्प्टी होके बे ऑफ बंगाल में फ्लो होती है आकर के. दीज चैनल्स ओवरफ्लो फ्रीक्वेंटली डिपॉजिटिंग फर्टाइल सॉइल एंड देयर बैंक्स. अब ये चैनल्स छोटे छोटे बने हैं वो कई का बहुत जल्दी ओवरफ्लो हो जाते हैं क्योंकि उनमें फर्टाइल सॉइल वगैरह जो है पूरा जम जाता है, डिपॉजिट हो जाता है. वाटर फ्रॉम द चैनल्स ऑल्सो प्रोवाइड्स नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर पर्टिकुलरली द कल्टिवेशन ऑफ राइस. तो ये जो चैनल है उसको जो भी जरूरी मॉइस्चर है एग्रीकल्चर के लिए या कल्टिवेशन ऑफ राइस के लिए उन सारी चीज़ों को यहाँ पे प्रोवाइड करे जाते थे. ठीक है. ऑल्दो एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर इन अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु इट वॉज ओनली फ्रॉम द 5th or 6th century दैट दिस एरिया वॉज ओपन्ड अप फॉर लार्ज स्केल कल्टिवेशन. अब जैसे कि जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी पहले डेवलप हो गया था तमिलनाडु के अलग दूसरे पार्ट्स में. सो ये जो वो एरिया था ये 5th or 6th century का था ये एरिया जिसको कि ऐसे ओपन करके रखा गया था लार्ज स्केल कल्टिवेशन के लिए ही इसको यहाँ पे रखा गया था. फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन्स लैंड हैड टू बी लेवल्ड इन द अदर एरियाज. कई एरियाज में जो फॉरेस्ट है उसको साफ करना पड़ता था पूरा और कई एरियाज में जो ज़मीन है जो लैंड है उसको पूरा लेवल करना पड़ता था. इन द डेल्टा रीजन एम्बैंकमेंट्स हैड टू बी बिल्ट टू प्रिवेंट फ्लडिंग एंड कैनाल्स. अब जो भी डेल्टा रीजन्स वगैरह थे उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी बनानी थी जिससे कि जो फ्लड वगैरह का पानी ना हो और कैनाल्स वगैरह ये सब चीज़ों के लिए भी पूरा कंस्ट्रक्ट करना था. सो इट मेनी एरियाज टू क्रॉप्स फॉर ग्रोन इन अ ईयर. तो कई सारे एरियाज ऐसे थे जहाँ पर एक साल में दो क्रॉप्स ग्रो किए जाते थे. इन मेनी केसेस इट वाज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली. अब कई सारे केसेस ऐसे थे कि जिसमें ये ज़रूरी था कि आप जो क्रॉप्स वगैरह हैं उनको आर्टिफिशियली वाटर प्रोवाइड करें. अ वैरायटी ऑफ मेथड्स वर यूज फॉर इरीगेशन. अब इरीगेशन के लिए ही अलग अलग तरीके के मेथड्स यूज होते थे. इन सम एरियाज वेल्स वर डग. कई एरियाज में वेल्स वगैरह मतलब कुएं वगैरह डिग कर दिए जाते थे. कुछ प्लेसेस में बड़े बड़े टैंक्स थे उनको कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता था रेन वाटर कलेक्ट करने के लिए. ठीक है. अब इरीगेशन जो था वो मतलब काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग के साथ रिक्वायर करता है. तो उसकी ये सारी चीज़ें थी ऑर्गेनाइजिंग द लेबर एंड रिसोर्सेज मेंटेनिंग द वर्क्स एंड डिक्लाइनिंग ऑन हाउ वाटर इज टू बी शेयर्ड. मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर एज वेल एज पीपल लिविंग इन विलेजेस टू कैन एक्टिव इंटरेस्ट इन दिस एक्टिविटीज. तो जो भी नए रूलर्स वगैरह थे और जो भी लोग विलेजेस वगैरह में रहे थे उन सब ने काफ़ी ज़्यादा एक्टिव इंटरेस्ट दिखाया इन सारी एक्टिविटीज़ में. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर. हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज. अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है. सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स. वन सेकेंड. तो अब यहाँ पे जो सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स नोन एज और बिकेम प्रॉस्परस विद द स्प्रेड ऑफ इरीगेशन एग्रीकल्चर. तो अब यहाँ पे जो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह ऑर्गेनाइज करे जाते थे सेटलमेंट्स पीजेंट्स के उनको बोला जाता था और क्योंकि काफ़ी प्रॉस्परस बन गए थे जो इरीगेशन कल्चर वगैरह के स्प्रेड के हेल्प से. ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडू. अब जो बड़े बड़े ग्रुप्स जो विलेजेस उनके बड़े बड़े ग्रुप्स फॉर्म होके एक काफ़ी बड़ा सा यूनिट बन जाते थे और इसको बोला जाता था यहाँ पे नाडू. वन सेकेंड मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ. राइट हियर. ठीक है. द विलेज काउंसिल एंड नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस. तो जो विलेज का काउंसिल था और जो नाडू थे ये सब लोग मिलके कई सारी चीज़ें परफॉर्म करते थे जैसे कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते थे. ठीक है. और अगर कोई जस्टिस लेना हुआ उसके लिए टैक्सेस वगैरह कलेक्ट होने के लिए तो ये सब लोग ही रिस्पॉन्सिबल होते थे. रिच पीजेंट्स ऑफ द विल्लाला कास्ट एक्सरसाइज कंसिडरेबली कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू एंड द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोला गवर्नमेंट. अब जो जो रिच पीजेंट्स थे विल्लाला के विल्लाला की कास्ट के उन्होंने जो भी यहाँ पे चीज़ें थी तो उनकी सुपरविजन में
जो भी यहाँ पे चोला गवर्नमेंट के सुपरविजन में सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का और वो खोने के लिए कंसीडर किया. द चोला किंग गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल्स लाइक मुविन द विलन. अब जो चोला के किंग्स किंग थे, उन्होंने कई सारे जो रिच लैंड ओनर्स थे उन सबको अलग अलग टाइटल दिया, जैसे कि मुविन द विलन, ठीक है, अरैयार, तो इस तरीके से अलग अलग नेम्स दिए. एज मार्कर्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड इंटरेस्टेड देम विद इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट एट द सेंटर. तो इन्होंने ये सारे नाम क्यों दिए, क्योंकि एज अ मतलब रिस्पेक्ट के मार्क पे, और जो भी चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स वगैरह हैं उन सबको इंटरेस्ट कराने के लिए. ठीक है, ग्रेट. सो वी हैव सीन द ब्रह्मानास ऑफन रिसीव लैंड ग्रांट्स और ब्रह्मेदिया. अब ये हम लोग देखा है जो ब्रह्मानास हैं उनको ऑफन उनको यहाँ पे जो लैंड वगैरह रिसीव होता है और उनको ब्रह्मदिया यहाँ पे ग्रांट कर दिया जाता है. इसका रिजल्ट ये होता है कि जो लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट्स इमर्ज इन द कावेरी वैली एज इन अदर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया. तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत ही ज़्यादा लार्ज नंबर में जो ब्रह्माना सेटलमेंट्स थे वो कावेरी वैली में इमर्ज होने लगे, और साउथ इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में काफ़ी ज़्यादा ये ब्रह्माना सेटलमेंट्स इमर्ज होने लगे. Each Brahmedia was looked after by an assembly or sabha of prominent Brahmin landholders. अभी जब ब्रह्मेदिया थे इन सब लोग को इनको कौन लुक आफ्टर करता था, सो इनको लुक आफ्टर एक असेंबली या फिर एक सभा करती थी जो कि ब्रह्माना लैंड लॉर्ड्स की थी. ठीक है, दीज असेंबलीज वर्कड वेरी एफिशियंटली. अब जो असेंबलीज थी काफ़ी एफिशियंटली काम करती थी. देयर डिसीजन्स वर रिकॉर्डेड इन डिटेल इन इंस्क्रिप्शन. अब उनके जो डिसीजन्स वगैरह थे उनको इंस्क्रिप्शन में काफ़ी डिटेल में रिकॉर्ड किया गया था. ऑफन ऑन द स्टोन वॉल्स ऑफ टेम्पल्स, और टेम्पल्स की स्टोन वॉल्स पर भी. एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नागरेंस ऑल्सो ओकेशनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन द टाउन्स. अब यहाँ पे जो ट्रेडर्स की जो एसोसिएशंस थी जिसको बोला जाता था नागारम्स, तो वो भी ओकेशनली परफॉर्म करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस वगैरह में टाउन्स वगैरह में. तो वन सेकेंड, सो इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तरामिरूर इन चिंगलीपुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच द सभा वॉज ऑर्गेनाइज. तो जो उत्तरामिरूर में और उत्तरामिरूर के चिंगलीपुर डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु में जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं वो डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं किस तरीके से सभा वगैरह ऑर्गेनाइज करी जाती थी. द सभा हैड सेपरेट कमिटीज, सभा के पास एक सेपरेट कमिटीज होती थी टू लुक आफ्टर इरीगेशन वर्क्स, गार्डन्स, टेम्पल्स एक्सेट्रा. तो सभा एक सेपरेट कमेटी होती है जिसको सारी चीज़ें देखनी होती थी अबाउट इरीगेशन के काम के गार्डन्स को, टेम्पल्स को, इन सब चीज़ों को. नेम्स ऑफ दोज एलिजिबल टू बी मेम्बर्स ऑफ दीज कम्युनिटीज वर रिटन ऑन स्मॉल टिकट्स ऑफ पाम लीफ. अब जो भी पीपल थे, जो पीपल एलिजिबल होते थे इन कम्युनिटीज़ के मेम्बर्स के लिए, तो उनका नाम एक पाम के लीफ में छोटा छोटा लिख दिया जाता था. दीज टिकट्स वर पुट into an earthenware pot from which a young boy was asked to take out the tickets one by one for each committee. तो यहाँ पर जो जितने भी टिकट्स वगैरह थे इन सब टिकट्स को एक पॉट में रख दिया जाता था, और उसमें से आप एक किसी बच्चे से बोला जाता था कि इनमें टिकट्स निकालो, एक 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 करके टिकट्स निकालो हर एक कमेटी के लिए. तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पर वर्क करती थी. अब चाइना अंडर द टैंग डायनेस्टी, इन चाइना an empire was established under the Tang dynasty. वहाँ पर एक टैंग डायनेस्टी थी उसके अंडर में एक एम्पायर इस्टाब्लिश हुआ विच रिमेन इन पावर फॉर अबाउट 300 years. जो पावर में रहा 300 years के लिए 7th से 10th century तक. इट्स कैपिटल ज़ाइयान वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड. अब इसका जो कैपिटल था इस टैंग डायनेस्टी का, तो वो सबसे बड़ा था, मतलब वो एक वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज थी पूरे वर्ल्ड में, जिसको कि टर्क्स, ईरानियंस, इंडियंस, जापानीज, कोरियन सब लोग उसको विजिट करते थे. द टैंग एम्पायर वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ ब्यूरोक्रेसी रिक्रूटेड थ्रू एन एग्जामिनेशन. अब टैंग एम्पायर था इसको कौन एडमिनिस्ट्रेटेड करता था, तो यहाँ पे एग्जामिनेशंस वगैरह होती थी, तो उन एग्जामिनेशंस के थ्रू यहाँ पे रिक्रूट किया जाते थे पीपल्स को, विच वॉज ओपन टू ऑल हु विश टू अपियर फॉर इट. अब इस पर कोई भी अपियर कर सकता था जो भी चाहता. The system of selecting officials remained in place with some changes till 1911.
अब ये जो सिस्टम था ऑफिशियल्स को चूज करने का, सेलेक्ट करने का, वो समवट 1911 तक पूरा प्रोसीजर में रहा। तो तब तक ये सेम सिस्टम पूरा फॉलो होता रहा। ठीक है, ग्रेट। सो यहाँ पे ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, इसमें हम लोगों ने नई डायनेस्टीज का जो इमर्जेंस है उसके बारे में पढ़ा, नए किंग, यहाँ पे जो किंगडम्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में पढ़ा, प्रशस्तीज और लैंड ग्रांट्स के बारे में पढ़ा। फिर आगे हम लोगों ने यहाँ पे वॉरफेयर फॉर द हेल्थ, इन इस चीज़ के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने चोलास के बारे में पढ़ा, फर्दर एग्रीकल्चर इरीग्रेशन वगैरह नए नए डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। एट लास्ट हम लोगों ने चाइना अंडर द टैंग डायनेस्टी, टैंग डायनेस्टी चाइना में जो थी उसके बारे में डिस्कस आउट किया। ठीक है, ग्रेट। सो यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करे थे, करे हैं एक्चुअली, और सारे के सारे ज़्यादातर पॉइंट्स यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप लोगों ने होपफुली इसके नोट्स बनाए होंगे, अगर नहीं बनाए तो मेक श्योर करिए कि इसके नोट्स आप फर्दर बना लें। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ, चलते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।